मिस्टर गवर्नमेंट किसी से सीधे वो बात तक नहीं करते वो तो इस घर में 7 सालों तक रहती भी नहीं थी मिस्टर आनंद बिल्ला थोड़े दिनों पहले अपने एक्स वाइफ से वापस शादी करने जा रहे थे आप ही मुझे बताइए कि आप मुझे सचमुच ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली के पास भेजना चाहती हैं योर ऑनर अगर वही मेरे पास आ गई तो मैं उसकी कस्टडी का केस फाइल करूंगी बगावत पर उतर आई है रमन और इशिता की बेटी रूही जी हाँ निधि की गिरफ्तारी हुई और उसका केस पहुंच गया अदालत में रूही को बचपन में अगवा करके 7 साल तक अपने परिवार से दूर रखने का आरोप है उस पर ये सब झूठ है लेकिन अदालत में जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तब रूही ने आकर ऐसा बयान दिया की बाजी पलट गई। इशिता ने भेजा है गेटवेल सुन के लिए काफी नाराज हो गई ना आप इसीलिए थैंक यू इशिमा पर इसका भी कोई फायदा नहीं है मैं नहीं मानने वाली हूँ मतलब बाजी उल्टी हो गई अभी तो फिर से सारे पत्ते मेरी जेब में आ गए अदालत में खूब ड्रामा हुआ एक और इशिता ने ढेर सारे आंसू बहाए उसका साथ घर वालों ने भी दिया लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तो मिसेस भल्ला ने किया निधि को चप्पल से मारा और ऐसे ऐसे इमोशनल डायलॉग्स बोले कि जिनकी तारीफ खुद निधि भी कर रही है हाँ निधि मैं मारी है तेरी चप्पल तेरे तो मार मार के मैं दफन कर दूँ मेरा बच्चा लेना तो तेरे टोटे करके मैं तुझको को कह रहा हूँ रुक जाइए कौन है आप दिस इज अ कोर्ट ऑफ कंटेंट जब तक कॉम्प्लीमेंट की तरह मेरे कानों में आ रहा था कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग चप्पल खाते तो ये औरत तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मिनिस्टर्स के साथ कंपेयर किया गया यू नो तो मैं चप्पल उप्पल सब भूल गई थी मैं बोली मैं कहा चलो ये ठीक था इंक फेंकते हैं चप्पल खाते हैं पता नहीं क्या क्या करते लेकिन एक लेवल तो होता है उनका तो मेरा लेवल है यस आई गॉट इट अब अदालत से रमन इशिता को 20 दिन की मोहलत मिलेगी अगर इन 20 दिनों में वो अपनी बेटी रूही को मना पाए तो ठीक वरना रूही की कस्टडी निधि को दी जाएगी और इशिता ऐसे ही रोती रह जाएगी मुंबई से करीम सलमानी की रिपोर्ट